हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों आज मैं इस वीडियो में बीएसटीसी 2018 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बताने जा रहा हूं। यदि इतने नंबर है तो आपके लिए सेफ रहेगा ये स्कोर काउंसलिंग के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं 2017 की, तो उस समय वैकेंसी थी अप्रोक्स 15,000 के आसपास, और जो अब की बार 2018 में वैकेंट सीट है वो है अप्रोक्स 21,000 के आसपास। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा यदि नंबर ऑफ सीट्स बढ़ी है तो वहाँ पे 2017 की तुलना में कट ऑफ का कम होना बनता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ये कट ऑफ 2017 की सापेक्ष ज़्यादा जाने वाली है। इसके पीछे कारण क्या है मैं आपको बता देता हूँ। पहला कारण है पेपर आउट होने का इश्यू, और सेकेंड थिंग कंपिटिशन लेवल है वो भी बढ़ गया। चलिए देखते हैं बीएसटीसी 2018 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकती है, और जो अभी मैं कट ऑफ बताने जा रहा हूँ इसमें 4 या 5 नंबर प्लस माइनस हो सकते हैं। तो यहाँ पे कट ऑफ मेल या फीमेल की अलग अलग जाएगी, कैटेगरी मेल एंड फीमेल। कैटेगरी एसटी कैटेगरी की बात करें, मेल कैंडिडेट 350 प्लस और फीमेल कैंडिडेट 340 प्लस जा सकती है कट ऑफ। अब बात करें एससी कैटेगरी की, तो मेल कैंडिडेट 365 प्लस और फीमेल कैंडिडेट 355 प्लस। ओबीसी कैंडिडेट मेल कैंडिडेट जा सकती हैं 385 प्लस और फीमेल कैंडिडेट 375 प्लस। अब जनरल अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें, तो मेल कैंडिडेट 395 प्लस और फीमेल कैंडिडेट 385 प्लस जा सकती हैं कट ऑफ। दोस्तों आपने कितना स्कोर किया है मेरे को नीचे कमेंट करके बताएं जरूर, और इससे जुड़े हुए और वीडियो देखने के लिए नीचे लाल आइकन वाले बटन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हाँ, वीडियो को लाइक करना न भूलें। मैं मिलता हूँ ऐसे किसी नए वीडियो में। गुड बाय।